राजगांगपुर स्थित कुकड़ा लेम्पस के प्रबंध निदेशक परीक्षित साहू के राजगांगपुर स्थित आवास एवं कार्यालय पर विजिलेंस के 3 DSP 4 इंस्पेक्टर समेत 20 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर सघन जांच पड़ताल की। सुंदरगढ़ विजिलेंस कोर्ट से जारी स्पेशल वारंट पर विभाग की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की। जांच के दौरान साहू के पास 1.41 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति का पता चला है। विभाग की ओर से विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। परीक्षित साहू कुकड़ा लेम्पस में 1995 से प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इसमें राजगंगापुर भाटापाड़ा में 3 मंजिला आवास, भाटापाड़ा राजगंगापुर में एक प्लॉट, 1 4-पहिया वाहन, 2 2-पहिया वाहन, 16.07 लाख का बैंक जमा फिक्स डिपॉजिट, 14.24 लाख के घरेलू सामान, 8.21 लाख का बीमा, स्वर्णाभूषण एवं अन्य चल अचल संपत्ति समेत कुल 1.41 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। विभाग की ओर से विभिन्न दस्तावेज जब्त किए गए हैं एवं इसकी जांच की जा रही है, जिसमें और अधिक संपत्ति का पता चल सकता है। उल्लेखनीय है कि परीक्षित साहू ने राजगंगापुर लेम्पस में क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू की थी। इसके बाद पदोन्नति पाकर वह लेम्पस में कैशियर बने एवं कुछ वर्ष तक इस पद पर कार्य करने के बाद वर्ष 2007 में वह इसी लेम्पस के MD बने और अभी तक वह इस पद पर बने हुए हैं। एक ही जगह 20 वर्षों से अधिक रहना लेम्पस प्रबंधन पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, जो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, ओडिशा।